हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 13,000। यहाँ पर आपको 90Hz का सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा, 6000mAh की बैटरी, 44W की फास्ट चार्जिंग, गेमिंग प्रोसेसर, 64MP के कैमरास एंड प्रीमियम डिजाइन, ये सब कुछ मिलेगा। अगर दोस्तों आपका बजट 13,000 के आसपास है और आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक बने रहिए, यहाँ से आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। सो बने रहिए। बट गाइस यार, आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मेरी लिस्ट में सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M32। अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग की तरफ से तो ये एकदम परफेक्ट है। ये दोस्तों 4GB+64GB से आता है। इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच। ये 90Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम बेस्ट दी गई है। दोस्तों बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी लेंस है 64MP का, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है एंड 22MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस दिए गए हैं। इसमें 20MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। तो कैमरा की क्वालिटी इस प्राइस पर अच्छी खासी दी गई है। दोस्तों इस फोन में परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Helio G80 4G चिपसेट है और ये एक गेमिंग चिपसेट है, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इस प्राइस के हिसाब से अच्छा खासा होने वाला है। आप यहां से ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि One UI 3.1 पर बेस्ड है। इस फोन में काफ़ी पावरफुल 6000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 15W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 11,999। 12,000 रुपये में डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11। ये दोस्तों 4GB+64GB से ही आता है और इस फोन में ऑफर किया गया है 6.7 इंच का फुल HD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच। ये 60Hz के नॉर्मल रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। दोस्तों बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 50MP का, साथ में 22MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस दिए गए हैं। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। इसमें 16MP की फ्रंट फेसिंग पंच होल नहीं बल्कि ड्रॉप नॉच सेल्फी दी गई है, तो कैमरा की क्वालिटी डिसेंट मिलती है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Helio G88 जो कि 4G के साथ आता है, बट ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो आपको इस प्राइस पर काफ़ी तगड़ी गेमिंग कराने वाला है। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कमाल का होगा। इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि XOS पर बेस्ड है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में चार्जर भी मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं जिससे आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस एकदम कमाल का होगा। ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 10,500। 10,500 रुपये में डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो G51 5G।
ये दोस्तों 4GB प्लस 64GB से ही आता है। इस फोन में दिया गया है 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल। ये 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट मिल जाती है, आपका डे टू डे टास्क कंटेंट वॉचिंग जबरदस्त होगा। दोस्तों बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है। कैमरा की क्वालिटी इस प्राइस पर अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस 5G चिपसेट है। 8nm पर आता है। इस प्राइस पर आपको ठीक ठाक गेमिंग कराने वाला है। बट अच्छी बात यह है कि इस फोन में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। इससे फ्यूचर में आपको 5G के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। बेसिकली प्योर स्टॉक एंड्रॉयड क्लीन UI है, क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसमें दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है। ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 12999। 13000 रुपये में डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, Vivo T144W। नाम से ही पता चलता है इसमें 44W की फास्ट चार्जिंग दी गई है। ये स्मार्टफोन 4GB प्लस 64GB से ही आता है और इस फोन में दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद ड्रॉप नॉच। ये 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग कमाल का होगा। दोस्तों इसमें बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल का, साथ में 22 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो लेंस दिए गए हैं। इसमें अभी अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। कैमरा क्वालिटी डिसेंट दी गई है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 4G चिपसेट है। इस प्राइस पर डिसेंट गेमिंग कराने वाला है। इसमें दोस्तों एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि फनटच OS पर बेस्ड है। इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 44W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में भी दिया गया है। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और सिंगल स्पीकर मिलता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी एक्चुअल प्राइस है 14,500 रुपये। बट डोंट वरी, आप लोग इसको सेल के अंदर बाय करोगे तो इजीली ये स्मार्टफोन 13,000 या फिर 13,500 रुपये में डेफिनेटली मिल जाएगा। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 4G। इसका 5G वेरिएंट भी आता है बट सिर्फ 5G के लिए आपको कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बेस्ट है। ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है और इसको आप ऑलराउंडर भी बोल सकते हो। ये दोस्तों 6GB प्लस 64GB से आता है और इस फोन में दिया गया है 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल। ये 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग कमाल का होगा। दोस्तों बैक साइड में अगेन पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन ही मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है। इस प्राइस पर कैमरा की क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Helio G96 4G चिपसेट है बट ये गेमिंग है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का होगा, आप यहाँ से तगड़ी गेमिंग कर सकते हो। इसमें दोस्तों Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि MIUI 12.5 पर बेस्ड है।
इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm का जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं। दोस्तों ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी एक्चुअल प्राइस है 14999। बट डोंट वरी, आप लोग इस फोन को सेल के अंदर बाय करोगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इजिली आप इस फोन को 13,500 रुपए तक बाय कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 13,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।